वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, आज जब चुनाव आ गया है तो बड़ा विचित्र है कि हम सबको गौरव प्राप्त हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम एक तरफ UCC की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके